राजस्थान के मंदिर घाटू श्याम बाबा के दर्शन कर 410 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मुरादाबाद पहुंचे पवन दीवाना श्याम, प्रेमियों ने किया भव्य स्वागत। दरअसल आपको बता दें, मुरादाबाद पागबड़ा निवासी पवन दीवाना ने घाटू श्याम मंदिर राजस्थान से यात्रा प्रारंभ कर मुरादाबाद लौटे पवन दीवाना, जहाँ श्याम प्रेमियों ने काशीराम गेट पर उनका फूल की माला एवं पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। दरअसल राजस्थान से 410 किलोमीटर पैदल यात्रा करके मुरादाबाद पहुंचे पवन दीवाना, जहां सभी श्याम प्रेमियों ने उनके दर्शन कर फूल माला की पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शेफाली शर्मा, मीत सिंह, विशाल रोहेला, जयप्रकाश, प्रदीप सिन्हा, भूपेंद्र गुप्ता, महिपाल सैनी, रानी भारद्वाज, अंकित, विशाल, सुबह आदि लोग मौजूद रहे। जी मैं खाटू श्याम से आ रहा हूँ। पहले क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही प्यारे दर्शन हुए और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जिस तरह की मेरे तरह जैसा बाबा चले, सभी के साथ चले और चलते रहें। और सभी श्याम प्रेमियों को मैं एक ही मैसेज दूंगा कि श्याम प्रेमी बन जाइए, एक बार बाबा के बन के देखिए। बाकी मैं बाबा में बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं जो मैंने महसूस की हैं। 6 दिन में मैंने क्या क्या महसूस किया है सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरा बाबा जानता है। बोला श्याम प्यारे की जय। पहली बार आया जी, मैं पहली बार गया हूँ और ना ही मैंने रास्ते देखे थे, मैंने ना श्याम बाबा की कभी पूजा की, ना ही कभी श्याम बाबा की पूजा की, ना ही कभी श्याम बाबा गया, ना ही कभी रास्ते देखे, कुछ नहीं देखा मैंने। बस बाबा का नाम लिया और मैं चल पड़ा। जैसा मैंने महसूस किया ये मेरा बाबा जानता है या मैं जानता हूँ, बोलिए श्याम बाबा की। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा छोटा भाई पैदल यात्रा करके बाबा श्याम जो है गोद में बिठा के इन्हें ले गए और सुरक्षित ऐसे दर्शन करा करके अपने घर भेजा है। प्रेमी का कर्तव्य है कि वो श्याम प्रेमी के काम आए। बोल हारे के सहारे की लगातार की। ये पूरा श्याम परिवार खड़ा है यहाँ पर, जितना भी खड़ा हमारे भैया हैं महिपाल जी और हमारे आदरणीय गुप्ता जी, और ये पूरा परिवार श्याम परिवार है। और श्याम परिवार एक ऐसा परिवार है जो सभी का साथ देता है और सभी का सहयोग करता। बोल हारे के सहारे की। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे विशाल भैया का, क्योंकि सबसे पहले मीत भैया को मैसेज इन्होंने दिया था और आगे भी और आदेश भी, और सबसे पहले चरण स्पर्श करके मैं अपने बड़े भैया विशाल जी के गया था। और उसके बाद पल पे हर मिनट में एक एक सेकंड की व्यवस्था मेरे मीत भैया और विशाल भैया द्वारा करते रहे। बाकी आदरणीय श्री गुरु जी, राही जी,